अपने पार्टनर को जीभ से टच करके उसे जन्नत का सुख और खुशी आप दे सकते हैं। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कि करते ही शुरुआत में कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि आपको और आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मायूस कर देते हैं। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। का सबसे पहले अपने फीमेल पार्टनर के होंठ पर प्रयोग करिए। होंठ पर भी जब अपने जीभ का प्रयोग करते हैं वहाँ से धीरे धीरे सिर्फ अपने जीभ का वहाँ आपको इस्तेमाल करना है। हम आपको बराबर फोपले करने की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने जीभ से वहाँ पर टच करना है। आप ये समझो कि आप जो कर रहे हो आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को खुशी मिले, उसको अच्छा लगे, ठीक है। पेट के जो बगल का जो पार्ट्स होता है वहाँ पर आप उसको हल्के से अपने जीभ से टच करो। एक अलग से गुदगुदी जैसा होता है, एक अलग सा करंट जैसा होता है जो कि आपके फीमेल पार्टनर को काफ़ी एक अलग फीलिंग दिलाता है और वो बहुत ही जल्दी आपके करीब हो जाती है। समझो कि ये सब चीज़ करने से पहले ना उसका मिजाज, उसका मन को तलाश लेना कि हाँ उसका मन कैसा है, उसका मिजाज, उसके नाभि पर भी आप किस कर सकते हो, फोरप्ले कर सकते हो। हाथों से अपने फिंगर से उसके बदन पे धीरे धीरे उंगलियां फेरते रहना और उसको किस करते रहना, ये आपके पार्टनर को ना काफ़ी जल्दी मतलब कि उत्साहित करता है। किस आपका स्पर्श, आपका जो स्पर्श होता है ना आपके फीमेल पार्टनर को महसूस कराता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और उसका लगाव आपके स्पर्श से ही मालूम पड़ता है कि हाँ आप उसको स्पर्श कर रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या चल रहा है, आपके लिए उसके मन में क्या है और उसके मन में आपके लिए क्या है, ये सब पता चल जाता है। तो करने से पहले बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। ऐसा नहीं है कि ये सब छोड़े समय कौन टाइम वेस्ट करेगा, चलो डायरेक्ट वही करते, तो एक गलत फहमी होती है, ये आपके रिश्ते में नज़दीकी नहीं बल्कि दूरियां पैदा कर देगा। तो ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ करने की कला होनी चाहिए, अपने पार्टनर की क्या ज़रूरत है, वो किस चीज़ से खुश हो रही है, कहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव महसूस हो रहा है, वो कहाँ अच्छा फील करती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप फोरप्ले में करते हैं, अपने जीभ का, अपने फिंगर का अगर प्रयोग करते हैं, तो आपको रिलेशन में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जो लोग हमेशा ये कमेंट करते हैं कि मेरे जल्दी स्खलित हो जाता है, मेरा बहुत ही कम समय है, तो देखो ये वीडियो के माध्यम से हम सभी कपल्स को यही कहेंगे कि रिलेशन में ज़्यादा देर तक, घंटों तक लगे रहने बात नहीं है। आपकी फीमेल पार्टनर कैसे खुश हो रही है, कैसे नहीं खुश हो रही है, उसकी खुशी कैसे है, आप किस तरीके से कर रहे हो, उसको आप कैसे खुश कर सकते हो, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी तरीके से करो, जब भी करो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो उसके साथ किस करना, उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करना, उसके साथ थोड़ा हंसी मजाक करना, थोड़ा रोमांटिक मूड में थोड़ा उसे बातें करना, थोड़ा उसके साथ छेड़खानी करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके पार्टनर को आपके तरफ उसका थोड़ा लगाव बढ़ेगा, उसका प्रेम बढ़ेगा, अपने अंदर की बातें आपके साथ शेयर करेगी, खुल कर बोलेगी आपसे। जब आप उसके साथ खुलकर अच्छे से व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ खुलकर अपने सारी बातों को आपके साथ शेयर करेगी। इसी के साथ मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बने रहें, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।